हैम रोलर 311P मॉडल स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है जाके चेक करेंगे। ठीक है चाबी में चाबी घुमाए, डिस्प्ले में लाइट आ रहा है पूरा, फिर भी बंद हो गया। कौन सा इंजनल सिंबल, बैटरी सिंबल आ रहा है। ठीक है इसमें हैंड ब्रेक में पावर नहीं आ रहा है, एक बटन दबाए तो इसमें लाइट शो आना पड़ेगा, लाइट शो नहीं हो रहा है। ठीक है चेक करेंगे फ्यूज बॉक्स खोल के, क्या कोई भी फ्यूज उड़ गया, वायरिंग शॉर्टेज हो गया मालूम पड़ जाते हैं। ठीक है मैं खोल दिया, मेरे पास टेस्ट लैंप है, टेस्ट लैंप से चेक करेंगे। कौन सा लेना है, F6 से F11 लाइन आती है इसमें, वो लाइन चेक करना पड़ेगा। ठीक है बल्ब जल रहा है, कभी कभी आ रहे कभी कभी नहीं आ रहे। वो बगल में बड़ा वाला फ्यूज बॉक्स आता है, वो भी एक बार चेक करेंगे। ठीक है इधर सेल्फ मोटर के बगल में फ्यूज बॉक्स है, थोड़ा हल्का घूमे तो वही लूज हो जाता है, ढीला होता है। ठीक मैं खोल दिया, डायरेक्ट बैटरी से आती है डायरेक्ट मेन, और राइट साइड का पूरा लाइन है ना और फ्यूज बॉक्स का सबको कलेक्शन इधर से जाते हैं, सब काम कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है पूरा। ठीक है कैसे खोला ऐसे फिट करेंगे, थोड़ा घुमाए तो लॉक हो जाता है। हो गया हैंड ब्रेक का पूरा गार्ड है ना, गार्ड निकाल के चेक करेंगे। 8 नंबर बोल्ट आते हैं, चार खोल के नीचे चेक करेंगे तो हैंड ब्रेक का कनेक्टर नीचे ढीला हो गया, कुछ कनेक्टर काम नहीं कर रहा मालूम पड़ जाते। ठीक है खोल दिया, ढीला नहीं है फिर भी टाइट है, थोड़ा टेप देते हैं खोल के, कनेक्टर नीचे खींच ले तो आ जाते। ठीक है मैं खींच दिया, अभी वोल्टेज चेक करेंगे। तो वाइट वाला है ना वही पेस आता है, और एक कलर वाला कलर है ना इसमें अतिंग आता है। चेक किया इसमें पावर नहीं आ रहा है बिल्कुल, इधर देखो F11 का फ्यूज शॉर्टेज हो गया, वही पार्किंग का हेडलाइट पार्किंग आता है ना वही है। F7 में चेक करेंगे मेन फ्यूज, मेन रिले का फ्यूज, वही फ्यूज उड़ गया फ्यूज को बीच में, वही फ्यूज बार बार उठ रहा है। ठीक है मेरे पास नया फ्यूज है वो डाल के चेक करेंगे। ठीक है डाल दिया, टक टक आ रहा है रिले साउंड काम कर रहा है। टेस्ट लैंप से चेक करेंगे, मैं ऊपर में पकड़ा बॉडी का हाथ पकड़ के आ रहा है, नीचे भी चेक करेंगे दोनों भी चल रहा है सही से आ रहे पावर। अभी कनेक्टर में चेक करेंगे, बॉडी का अर्थ पकड़ के कनेक्टर मेन में पकड़ा वाइट कलर का, अभी आ रहे हैं इसमें भी अर्थिंग भी आता है, ऑपोजिट दोनों में पकड़ेंगे अर्थिंग आ रहे नहीं आ रहे मालूम पड़ जाता है। ठीक है काम कर रहे हैं, मेन भी आ रहे अर्थ भी आ रहे। ठीक है कनेक्टर लगा के चेक करेंगे, तो हैंड ब्रेक में पावर आ रहे नहीं आ रहे, 3 नंबर में ना वही मेन आते है उसी में, ऐसा खोला ऐसा अच्छे से थोड़ा घुमा के लगाना पड़ेगा ऐसा, नहीं तो मैच नहीं होता है। ठीक है चाबी ऑन करके चेक करेंगे, ठीक है चाबी ऑन किया पावर आ गया चला गया, और इंजनल सिंबल बैटरी सिंबल रुका है इसमें देखो पावर चल रहा है। अभी हैंड ब्रेक डाला नीचे दबाए तो अभी लाइट शो हो रही, पहले लाइट शो नहीं हो रहा है, इसमें लाइट नहीं आते चालू नहीं होते बिल्कुल काम नहीं करते, ऑपरेटिंग नहीं होते कुछ भी नहीं होते। ठीक है ठीक है एक बार चालू करके चेक करेंगे,
ठीक है, गाड़ी अच्छे से चालू हो गया। पहले निकल दिया ना टेप, वो टेप डालना पड़ेगा, थोड़ा टेप खींच के डालना पड़ेगा, नहीं तो रनिंग में डिले होता है। देखो मैं कैसा डाल रहा हूँ टेप, ठीक है हो गया। चार बोल्ट खोल दिए ना, ये चारों बोल्ट फुल टाइट करेंगे। तो 8 नंबर का साइज आते हुए ठीक है हो गया, मैं चारों फुल टाइट कर दिया, अभी चेक करेंगे। देखो अभी इमरजेंसी में हैंड ब्रेक में लाइट शो हो रहा है, अभी पगल वाले ना हॉर्न हो रही है एक्सलेटर का। तो आगे पीछे फॉरवर्ड लीवर, तो इमरजेंसी बटन, कुछ कंप्लेंट इमरजेंसी में आते हैं, इधर एक बार दबाए तो इंजन बंद हो जाते हैं, वो हैंड ब्रेक भी पावर कट हो जाते हैं, ठीक है। और एक घुमाना पड़ेगा, घुमाए तो पीछे आते ऊपर का, फिर भी हैंड ब्रेक में पावर आते है, देखो। तो F11 शॉर्टेज हो गया ना, काई कुछ शॉर्ट हो गया, इधर हैंड पार्किंग का लाइट कट करके छोड़ दे, इसका बॉडी का टच हो गया, इसके लिए शॉर्टेज हो गया। मैं पूरा तार कट कर दिया, नया तार डाल के अच्छे से बना दिया, टेप जरूरी है, अच्छे से डालना पड़ेगा टेप का, ठीक है। इसके लिए पीस बार बार उठ जा रहे वही, ठीक है। इमरजेंसी बंद करने के टाइम में उसे पावर नहीं आता, ठीक है। अभी हैंड ब्रेक में आए, आदमी लो लाइट शो आ रहा है ना, आगे नहीं जाते, अभी हैंड ब्रेक निकालते। मैं देखो अभी हैंड ब्रेक निकल दिया, लाइट खत्म हो गया, देखो आगे दबाया लीवर, आगे जा रही गाड़ी, थोड़ा एक्सलेटर बढ़ा के चेक करेंगे, ठीक है काम कर रहा है अच्छे से। अभी पीछे डाल के चेक करेंगे, अभी पीछे डाला, पीछे भी काम कर रहा है, आगे पीछे फॉरवर्ड लीवर अच्छे से काम कर रहा है। अभी वाइब्रेशन चेक करेंगे, वाइब्रेशन का बटन, वाइब्रेशन डालने तो शो होना पड़ेगा डिस्प्ले में, नहीं शो आ रहा है। वो लीवर का ऊपर में एक बटन आता है, वो बटन का स्विच खराब हो गया, दोनों तार एक बार टच करने तो चालू हो जाते। अभी हाई में चल रहा है वाइब्रेशन, इसका ग्रीन कलर आया ना, येलो का लो वाइब्रेशन, देखते इधर बटन देखो, वो लीवर के ऊपर में दो तार है ना, इधर बटन आता है, काम नहीं कर रहे, दोनों तार एक बार टच करने तो मालूम पड़ जाते। तो F11 का वायरिंग शॉर्टेज हो गया, इधर F7 का मेन पीज है, वो पीज बॉक्स पूरा, ठीक है हो गया, पूरा टाइट करके चेक करेंगे। ऑपरेटर को देना तो कैसा काम कर रहा हो ऑपरेटर बताते, 12 तरह बोल्ट आते पीज बॉक्स, फुल टाइट करना पड़ेगा, ठीक है फुल टाइट कर दिया, लाइट भी जल रहा है अच्छे से, कैबिन डाउन करेंगे। तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हो ये हाइड्रोलिक कैन सेक्शन, ठीक है। ऑपरेटर को दे दिया, ऑपरेटर चला रहे गाड़ी, ठीक है बढ़िया काम कर रहे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स।